हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होगा। ऐसे में हर पार्टी जोरों पर चुनाव प्रचार में लगी हुई है ताकि सत्ता में आने के लिए कोई कमी ना रह जाए। अब इस बीच सीएम नायब सिंह सैनी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस के खिलाफ एक्स पर पोस्ट किया कि जिसके पैरों में सालों तक नाल ठोकी गई हो उनसे लोहे का स्वाद नहीं पूछते। हरियाणा के दलितों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस और हुड्डा का शासन दलितों के लिए कितना खतरनाक और हिंसक था, जिसके डरावने सपने उन्हें आज भी आते हैं। दलित उत्पीड़न के सभी मामलों में हुड्डा सरकार के साफ मिली भक्त थी या मौन समर्थन था। सीएम सैनी ने लिखा कि महज एक कुत्ते के भौंकने पर मिर्चपुर में उस दलित बेटी को जिंदा जला दिया गया जो ऑफिसर बनने वाली थी। वह खौफनाक मंजर चाहे गोहाना हो या मिर्चपुर या भगाना कैलेंडर में, यह सारी काली तारीखें हुड्डा के राज के समय ही मिलेंगी। दरअसल कांग्रेस का आचरण ही दलित विरोधी है। इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर बाबू जगजीवन राम, सीताराम केसरी, अशोक तंवर और अब एक दलित महिला नेता तक सबको अपमानित और किया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विदेशी धरती से खुलेआम कहते हैं कि दलितों और वंचितों का आरक्षण खत्म करना है। दरअसल यह उनकी पुरानी वंशानुगत मानसिकता है। इनका काम ही है बहकाकर वोट लो और बाद में खुलकर अत्याचार करो। दबंगई और दहशत यह कांग्रेस के हथियार हैं जिनसे सबसे ज्यादा पीड़ित हमारा दलित समाज ही होता है। अब देखना यह है कि सीएम सैनी का यह ट्वीट कांग्रेस के खेमे में कितना तहलका मचाता है और भाजपा के लिए कितना हुक्म का इक्का बनता है। देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।